बाबा जी ने वाक्य सुनाया कि जो माई थी माई फत्तो जो है उसको खाना हर रात देती थी। गांव में ऐसे होता था जो तालिबे इल्म होते थे पढ़ने वाले या उस्ताद, उनके खाना मुकर्रर हो जाता था किसी घर में रात में किसी में दिन का। सुबह मगर की नमाज वहाँ पढ़ानी, और बाबा जी थे बाबा मुराद बख्श, बाबा कादर भाई साहब के बड़े भाई थे, वो असल में हज़रत के बड़े शागिर्द थे, बड़े चहेते थे हज़रत के साथ, उनको बड़ी मोहब्बत थी। तो हज़रत के साथ जाना, एक औरत थी मोबाइल माई फतो, उसने उसके घर में खाना था हज़रत का हमेशा, हर रात खाना रात का खाना वहीं लगा हुआ था। तो ये गांव का ये दस्तूर रहा है पुराने ज़माने का कि खाना लगा देना दोपहर का रात का, मैंने पहले कर सके। तो हज़रत तशरीफ ले जाना, चार पाई बैठना, उस माई ने खाना तैयार करना, रोटी भी सालन भी। तो बाबा जी के भाई मुराद बस ने खाना आगे रह देना, हज़रत खाना खा लेना। कई साल साल हर साल की रूटीन थी, जितने साल वहाँ हजरत रहे, एक साल दो साल नहीं बल्कि शायद ज़्यादा ही। जब हज़रत की शादी माशा हो गई, हज़रत बड़े हो गए, वक़्त निकल गया, बहुत दूर चला गया, तो एक दफ़ा हज़रत मोड़ा को, उस जमाने में टांगे शांगे भी बहुत कम होते थे, गांव में दो या तीन टांगे होने, तो हज़रत तशरीफ ला रहे थे मोड़ा कोर्चे से चकवार की तरफ, तो पैदल आते जाते थे। वो ज़माना था हज़रत इतने तेज़ पैदल चलते थे कि हमें से कोई शख्स साथ बराबर नहीं चल सकता। जब मैं पहली दफ़ा हज़रत के साथ यहाँ आया हूँ, 1969 की बात है, 69 की, तो जिससे पहुँचे यहाँ असर की नमाज हज़रत ने अदा फरमाई। कोई दीवार कोई शाय नहीं थी यहाँ, कच्ची दीवार मामूली से होती थी। तो हज़रत सलाम नहीं दाएं तरफ फेरा गया, रिकत सारी हो गया था। सलाम असर का दाएं तरफ ना, सलाम यहाँ इस इलाके में पड़ी, हज़रत दाएं तरफ आ गई, कोई दीवार नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हज़रत ने सलाम फेरा दाएं तरफ, तो बड़ी मुश्किल से बाएं तरफ सलाम फेरा गया, सिसकियाँ लेते हुए सलाम फेरा, फिर आके बैठे थोड़ी देर मुराकबत किया। मुराकबत करने के बाद प्रोग्राम ही था, चिंगड़ा वाली चलेगी, एक रात का क्याम, हर कोई अपना अपना खाना थोड़ा साफ लाया, सामान ही रखा यहाँ, ये जो है मलंग उस जमाने का, ये सामान यहाँ रखा, और हजरत तशरीफ ले गए। तब मलगुराम से नए नए हल्के में आए थे, इनकी मुँह से काली स्याह बड़ी बड़ी रंगदार रंग किया हुआ, और छोटी दाढ़ी मुँह जैसे मलकों की होती। तो हजरत से वालहाना अकीदत हो गई, इस रस्ते में आए तो बड़ी मोहब्बत हो गई। किसी को तो कश्यप ने ठहरा लिया, नसीब ने ठहराया, बहाना कश्यप बना। अल्लाह ताला का शुक्र है हमको नहीं हुआ, हमको मेरे मौलाना ने कोई जरिया वसीला नहीं रखा, हम तो बस हजरत की ज़ात हिफ्ज़ पर वालहाना जो था वो कुर्बान हो गए। हमने नहीं सोचा कुछ नजर आए या ना नजर आए, मालूम हो या ना मालूम हो। तो उनको बड़े तेज इंशाफा शुरू हुए थे, मलक थे बड़े बड़े मुरबे के मालिक थे। तो वो हजरत को मोटरसाइकिल पर बैठा के ना यहाँ से चिंगड़ा वाली ले गए, बाकी जमात पैदल चल पड़ी सारी। अल्लाह के फजल से मैं भी उन दिनों कैप्टन था, मैं पैदल चल पड़ा यहाँ से, बाकी बड़े बड़े तगड़े तगड़े साथी भी थे यहाँ सरगोदे के, और बूढ़े बाड़े भी थे, मुफ्ती साहब भी और सलेमान साहब भी, और तो आहिस्ता कुछ ये बन होता था, बन के बंद खड्डे टोए नहीं थे, साफ बन था। अल्लाह के फजल से मैं फौज का तरीका इस्तेमाल किया, रोड वॉक एंड रन का, थोड़ा दौड़ू देखूँ पीछे बहुत दूर है, फिर मैं पैदल थोड़ा चलना शुरू कर दूँ, फिर थोड़ी दौड़ लगाऊँ, फिर हद तक जब हजरत वहाँ पहुँचे हैं और हजरत ने छोटा पेशाब किया है, तो अभी वो मस्जिद ही जहाँ चिंगड़ा वाली मस्जिद, उस मस्जिद के साथ बाहर जब हजरत पहुँचे हैं, तो हजरत छोटा पेशाब किया बाहर और वजू करने लगे थे, तो वजू से पहले मैं पहुँच गया था, वजू अल्लाह के मैंने कराया था, और सारे एक फौजी ने मार दिए, तो मैं तेज हर को तेज से दौड़ जल्दी पहुँचे। बाद में हजरत कुछ कैसे रहेगा जब हम तशीर है वापस, हजरत आई थी सारी खुचा निकल गई, ये फौजी ने मार छोड़ा था। अल्लाह के फस इस तरह पहुंचे वापसी पे, अब मलिक साहब मुसीबत पड़ गई, रात का वक्त मोटरसाइकिल कौन सा अंधेरा, चांद की चांदनी थी मगर अंधेरे में खुदा से खड्डे मरटोए में खुदा से मोटरसाइकिल कौन चलाए, दिन को चला लिया उन्होंने, और मोटरसाइकिल को पैदल लेके आ रहे साथ साथ, कहाँ जरूरत तो हज़रत के पहले आगे चलने की। तो हम सब साथी हज़रत के साथ, हज़रत पैदल इतने कवि चलते थे उस ज़माने में, कोई हज़रत से आगे सबकत नहीं जा सकता था। सुबह हज़रत पेशाब के लिए जाना दूर जाते थे, हमेशा सुन्नत तरीका दूर जाने का,
और कोई शख्स भी हज के करीब मतलब पैदल चलने में मुमासत नहीं कर सकता, इतनी अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत बख्शी। तो हजरत पैदल मोड़ा को और चश्म से आ रहे, तो रस्ते में ये बाबा मुराद बख्श साथ थे, हल्के छोड़ने से चकवाल आ रहे, वही माई जा रही माई फतो। तो हजरत जी को शुरू से ही उस्ताद जी कहते थे, तो वहाँ भी तलबा को पढ़ाते थे हजरत, उस्ताद जी मशहूर। तो हजरत में पहले खाते मुझे ये बात भी, मैं एक उस्ताद हूँ, अपने आप को पीर नहीं करा था, शेख नहीं कराया, रास्ता ही तालीम तल्लम का है, सलूक सीखना पड़ता है, उस्तादी शगिर्दी का रास्ता, पीरी मुरीदी इसीलिए है, उस्तादी शगिर्दी का रास्ता, ना उस्ताद को कुछ आया ना मुरीद में खलूस हो तो क्या हासिल करे, इस रास्ते सिखलाई का है। तो उस्ताद जी सब कहते थे, तो वो माई जा रही थी, उस्ताद सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा वो इस तरह बात करे जैसे जैसे कुदरती बात है, कई साल उसने हज़रत की खिदमत की, रोटी पका के दी अपने हाथ से, फिर उसने पूछा हज़रत उस्ताद जी क्या बच्चे हैं, हाँ ठीक, कदम तशरीफ ले आए, मैं फलाने उनसे कितने तशरीफ ले आ रहे हो, मैं चकवाल जा रहा हूँ, कोई और किसी किस्म की बात नहीं की। जो ही वो माई सलाम कर चली गई तो हजरत है थोड़ा सा और जब आगे चले तो बाबा मुराद बख्श कहते हैं उस्ताद जी डाडे तुझे पहचाने नहीं कौन है, कौन मैं नहीं पहचाना, तो पहचाने नहीं, मैं तो खुद ही पहचान, फिर वो इस तरह बातें कर रही थी आपसे और आप बस रुका रुके जवाब दे रहे, हमको है कौन हजरत जी, वही माई फतो ये रोटी पका के दें दी, तीन साल तुम्हारी खिदमत पेश कर दी, हमारा उस पैदा करने वाले कसम मैंने पहले भी कभी देखा, अभी